हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का मैथ पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब? गुणा होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड टेबल्स बता दिया है, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि एडिशन का भी साइन होता है, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है और मल्टीप्लिकेशन का भी साइन होता है। एडिशन का साइन प्लस होता है, ठीक है, एडिशन का साइन प्लस होता है। प्लस का मतलब आप लोग जानते होंगे, किसी भी दो या दो से अधिक संख्या को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। और सब्ट्रैक्शन का साइन होता है माइनस। ठीक है, क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का साइन होता है माइनस। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है क्रॉस या गुणा। ठीक है, इस तरह से रहता है, जो क्रॉस होता है ये किसका साइन है? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम क्या, आप लोगों ने एडिशन भी जान लिया। अगर इस तरह का साइन है तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अगर इस तरह का साइन है तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। अगर इस तरह का साइन है तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आज का हमारा जो क्या टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन है। आज हम सीखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। जैसे कि हम एडिशन जब करते हैं, तो जैसे 2 प्लस है, इसको हमें जैसे कि चार बार भी जोड़ना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, जब हम इसको एडिशन इस तरह से करते हैं तो क्या ज्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हमें सरल तरीके से अगर करना है, अगर इस एडिशन को हमें सरल तरीके से करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे, तो एक सरल तरीका हो जाएगा। जैसे कि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमें इतना लंबा प्रोसेस ना करके छोटे में ही हो जाए, तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लिकेशन कितना? 2 है, 1 2 3 4 4 है, तो हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना जाएगा? 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे, 4 टाइम्स बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एडिशन को, अगर हमें एडिशन इस तरह से अगर लंबा प्रोसेस दिया है, तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर सकते हैं? सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, एक बात और ध्यान देना आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, क्या आने चाहिए? टेबल्स आने चाहिए। आप लोगों को कम से कम 10 तक टेबल्स याद होने चाहिए। जब तक आप लोगों के पास, आप लोगों को टेबल्स नहीं याद होगा, आप लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको टेबल्स याद करने हैं। कहाँ तक? 10 तक याद करना है। ठीक है, तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 4 है मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब 4 है और मल्टीप्लाई 2 है, तो जो नीचे का नंबर है, ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है, उसी का हमें टेबल्स पढ़ना है। कितनी बार में पढ़ना है? 4 बार में पढ़ना है। ठीक है, कितनी टाइम्स पढ़ना है? 4 टाइम्स पढ़ना है, 4 बार में पढ़ना आपको। ठीक है, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, जब हम टेबल पढ़ते हैं 2 4 8, तो जो टेबल हम कितनी बार में पढ़ना है? 4 बार में पढ़ना है, तो हमारा कितना आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारा 5 मल्टीप्लिकेशन 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 3 का मल्टीप्लिकेशन कर, 3 का टेबल पढ़ना आप लोगों को 5 बार में। ठीक है, जब तक आप लोगों को टेबल्स नहीं याद होंगे, तब तक आप लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 3 का टेबल्स कितने बार में पढ़ना है? 5 बार में पढ़ना है। आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे कि जो नीचे वाली संख्या है, ठीक है, कौन सी संख्या है? जो नीचे वाली संख्या है, उसी संख्या का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 3 है और ऊपर कितना है? 5 है, तो 3 का टेबल हमें 5 बार में पढ़ना है। तो पढ़ते हम लोग, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और 3 5 15, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 15। अब आपका यहाँ पे 3 है मल्टीप्लिकेशन,
फाइव। अब हमें क्या करना है, फाइव का टेबल कितनी बार में पढ़ना है, थ्री बार में पढ़ना है। यहाँ पे हमने थ्री का टेबल फाइव बार में पढ़ा, लेकिन इस सवाल में हमें फाइव का टेबल कितनी बार में पढ़ना है, थ्री बार में पढ़ना है। ओके, तो आप फाइव का टेबल पढ़िए, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, इसका भी आंसर कितना आ गया, फिफ्टीन आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई फोर। अब आपको क्या करना है, फोर का टेबल कितनी बार में पढ़ना है, फाइव बार में पढ़ना है। ओके, कितनी बार में पढ़ना है, फाइव बार में पढ़ना है। तो आप टेबल पढ़िए फोर का, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन और फोर फाइव जा ट्वेंटी। अब कितना हो गया यहाँ पे, ट्वेंटी। ओके, इसी तरह से एक सवाल और देखिए, यहाँ पे सेवन है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या करना है आपको, थ्री करना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, थ्री का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है, सेवन बार में पढ़ना है। तो पढ़िए, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एट्टीन और थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ट्वेंटी वन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अगर इस तरह से, यह तो हमारा केवल एक अंक का मल्टीप्लिकेशन है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप लोग टेबल्स पढ़कर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को टेबल्स याद होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर भी लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्या करिएगा, आप लोग सवाल और मल्टीप्लिकेशन के अन्य सारे सवाल हैं उनको भी लगाने का आप लोग प्रयास करिएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।